नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो है चेंज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म ऑफ सेक ए। इस बार थीटा की जगह क्या दे दिया, ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए है बी है सी है या थीटा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आपको करना क्या है, किसमें चेंज करना है, सेक ए में सबको, ठीक है। साइन ए को भी सेक में, कॉस को भी सेक में, टेन को भी, कॉट को भी और कॉसेक को भी, सबको किसमें चेंज करेंगे अब हम, सेक में, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो, मैथ्स एंड साइंस के जो वीडियोस हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे डेली मैथ्स के हम अपलोड करते हैं 5 PM एंड साइंस के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं साइंस के वीडियोस 5:30 PM। तो आपको व्हाट्सएप से एक दिन पहले ये वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, जैसे कल जो वीडियो व्हाट्सएप पे अपलोड होगा वो आपको आज ही शाम 5 बजे मैथ्स का और 5:30 बजे साइंस का वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो जाएगा। रेगुलरली आप चैनल में अपनी प्लेलिस्ट चेक करें और ये वीडियोस वॉच करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अच्छा अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया, सबसे पहले किसको चेंज करेंगे हम, सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। तो हम लिख देंगे कॉस ए इक्वल्स टू 1/sec A, ये इसका काम हो गया। कॉस थीटा को, कॉस ए को हमने चेंज कर दिया सेक के टर्म में, कर दिया। अब हम किसको करते हैं भाई, अच्छा साइन क्या, कॉस हमें पता चल गया, ठीक है। तो कॉस जब पता चल गया तो कॉस और साइन में एक रिलेशन होता है ना, उससे हम साइन पता कर सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए चेंज करना है हमें, तो साइन स्क्वायर ए नहीं करना, साइन ए चेंज करना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, √1 - cos², ठीक है भाई। लेकिन कॉस के टर्म में थोड़ी करना है, सेक के टर्म में करना है। तो साइन ए इक्वल्स टू √1 - cos की जगह क्या लिख देंगे, 1/sec²a। साइन चेंज हो गया किसने, सेक ए की टर्म में हो गया चेंज। साइन ए को किसकी टर्म में चेंज कर दिया, कॉस ए की। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, जो भी एंगल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका रेसिप्रोकल ढूंढो, उसको तो इजीली कर सकते हो, वो कर दिया। फिर कॉस ए और साइन ए का रिलेशन आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में है, उससे ये रही फर्स्ट आइडेंटिटी। इससे हमने साइन ए निकाला, साइन ए क्या है, 1 - cos² का √। तो कॉस की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा साइन ए भी चेंज हो गया किसमें, किसमें चेंज हो गया, सेक ए की टर्म। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन ए इक्वल्स टू √sec² में यहां पे एलसीएम ले लू, ले लिया, क्या आ जाएगा, sec² a - 1 आ जाएगा। तो ये ऊपर तो आ जाएगा sec² a - 1 एज इट इज, और नीचे कभी भी हम √ नहीं रखते, इसलिए मैंने ये किया है, कभी भी √ की वैल्यू नीचे नहीं रखते अगर पॉसिबल हो तो। तो हम sec² a का √ लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, sec a। तो ये हमारा साइन का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। साइन बहुत ही इजी था, कॉस सबसे इजी था, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अच्छा साइन पता चल गया हमको, साइन ए चेंज हो गया हमारा सेक में, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं है, सेक स्क्वायर ए को हमने एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया। साइन ए चेंज हो गया सेक की टर्म में, जब साइन चेंज हो गया तो हमें पता है क्या, क्या पता है हमें, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin A, सबको पता है ये। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन वाले को उल्टा कर दो बिल्कुल, क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन √sec² a - 1, ये तो है, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो ये हमारा कॉसेक का काम हो गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक को खुद को करना ही नहीं है, कॉसेक हो गया। अब बचे ये दो, टेन और कॉट, अगर टेन हो जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे, कॉट हो जाएगा, या फिर बोले
कि कॉट हो गया, उसका उल्टा कर दो टैन हो जाएगा। तो देखो साइन है हमारे पास, कॉस है हमारे पास, तो टेन तो इजीली आ जाएगा, टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कर दो, साइन ए क्या है हमारा, ये रहा, इसके अपॉन में कॉस ए को करेंगे, ठीक है। तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा, तो मैं कर ही देता हूं, sec a और नीचे आएगा 1 अपॉन sec a, ये साइन की वैल्यू, ये cos की वैल्यू, sec a से sec a कट जाएगा, तो tan a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, tan a इक्वल्स टू आ जाएगा ओनली ऑन क्या, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये भाई अंडर रूट नहीं है ध्यान रखना, है ना, क्योंकि यही बचेगा, अपॉन 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर है माइनस 1। अब बचा लास्ट cot a, जब tan पता है तो cot a तो उल्टा होएगा, सीधा सा है cot a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a, तो cot a इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका इजी कन्वर्सेशन होता है, बाकी इसको आप जितना टफ बनाना चाहो उतना टफ सोच सकते हो, जितना इजी तरीके से लोगे उतना इजी होता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट डाउन करो, अच्छा एक और करा देता हूं मैं इसी में, नंबर फर्स्ट छोड़ दिया मैंने, उसको करा देता हूं। वो है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वन सेकेंड, एक्सप्रेस ऑल नहीं है, क्वेश्चन है आपका साइन ए सेट ए एंड टेन ए, इनको चेंज करना है इनटू फॉर्म ऑफ कॉट ए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो टेन ए को तो आप इजीली कर सकते हो, टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, सिंपल सा है, हो गया। साइन और सेक का है फंडा, साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक कर लेते हैं फिर साइन करेंगे, ठीक है। सेक और टेन में एक रिलेशन है, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, पता है सबको। तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर, ये सेक भी हो गया। अब मेन साइन, साइन को कैसे चेंज करोगे, तो देखो अब साइन और कॉट में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, साइन और कॉट में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करें, हमें करना पड़ेगा कॉट और कॉसेक में है, कॉट और कॉसेक में है एक रिलेशन, दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी नंबर थर्ड है ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 1 प्लस, पहले कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक को चेंज कर लिया हमने, अब जब कॉसेक चेंज हो गया तो कॉसेक का उल्टा कौन होता है, साइन। यहां थोड़ा सा समझने का है इसमें कि हमें साइन करना था, लेकिन साइन के लिए हमें किसको करना पड़ा, पहले कॉसेक को करना पड़ा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं था साइन और कॉट में,
तो इसीलिए इसने दिमाग लगाया कि इसने कॉट वो कॉसेक चेंज ही नहीं करवाया, क्योंकि अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड मैंने इससे पहले करवा दिए हैं, आगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा रहा हूं।